बिसम अल्लाम नाजरीन आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मैं इमरान ख़ान हूँ तीन बड़ी ख़बरें हैं और कुछ ख़बरें उसके साथ जुड़ी हुई भी हैं सबसे बड़ी और अच्छी खबर यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एहत चल रहा था वो ख़त्म हो गया है एहताज के आखिरी दिन में जो है वो खून बह गया और मासूम जाने जो हैं वो ज़ाया हुई इसके ऊपर इंक्वायरी ज़रूर होनी चाहिए कि वह क्यों हुआ जो मकामी सहाफ़ी हैं कुछ उनका ये क्लेम है कि जिस वक्त मुतालबात तस्लिम हो गए तो वहाँ पर लोग जश्न मना रहे थे वो खुश हो रहे थे और फिर अचानक तसादुम हुआ और उसके नतीजे में गोली चली और मासूम जाने ज़ाया हो गई तीन लोगों की शहादत की इतला आ रही थी बहुत सारे लोग जख्मी भी हो गए फिर काफ़ी देर तक लड़ाई चलती रही उनका नमाज जनाजा अदा किया गया और फिर जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं उन्होंने सबित किया कि वो आज़ाद हैं उन्होंने अपना हक छीन लिया यानी ये पूरे पाकिस्तान के लिए इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने कैसे आज़ाद कश्मीर के लोगों ने बहुत कम तादाद होने के बावजूद और वसाइल भी कम होने के बावजूद अपना हक मांगा और अपना हक़ छीन लिया हुकूमतों को घुटने टेकने पर मजबूर किया इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपना हक हासिल कर चुके थे यूनिटी के साथ इतफ़ाक़ के साथ अपने मुतालबात मनवा चुके थे और अब जो है वो आज़ाद कश्मीर के लोग भी कामयाब हुए हैं तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आटा उनको मिलेगा हजार रुपये का थैला बाकी पाकिस्तान में अगो बता तीन हज़ार तक भी गया है तो आधी कीमत में बाकी पाकिस्तान की नस्बत आधी से भी कम कीमत में आटा मिलेगा आज़ाद कश्मीर के शहरीों को जबकि बिजली उन्हें दस गुना आठ गुना कम कीमत पर मिलेगी तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है उन्होंने अपने हुक्मरानों को भी जकड़ दिया है और उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं जो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है उसके ऊपर भी एक चेक उन्होंने बांध लिया है तो ये आज़ाद कश्मीर के शहरीों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और उनको मुबारकबाद और बाकी पाकिस्तान के लिए इसमें सीखने के लिए है कि अगर आपने अपने मौक़ के ऊपर डट जाए और हक बात के ऊपर इतफ़ाक़ और इतिहाद के साथ खड़े हो जाएँ और फिर पीछे ना हटें तो जितनी मर्ज़ी हुकूमत हो उसको घुटने टेकने पड़ते हैं अब आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ये कहती है कि हम तो चाहते थे कि ग्यारह तारीख को ये माहदा हो जाए और ये नोटिफिकेशन हो जाएँ लेकिन इस्लामाबाद ने नहीं किया उस वक्त बहरल देर आए दुरुस्त आए ये मामला हल हो गया ये मामला खून बहने के बगैर भी हल हो सकता था खून बहाए बगैर ये मामला बड़े आसानी के साथ हल हो सकता था लेकिन इस हुकूमत की यह कैपेसिटी नहीं है इन्होंने पहले मामला पूरा ख़राब किया जब पानी नाक से ऊपर गया और उनको गोते आए तो फिर मजबूरन इन्होंने ये सारा काम किया है एक ये बड़ी ख़बर थी दूसरी जो सबसे बड़ी ख़बर है आज की जो पॉलिटिकल जो पाकिस्तान का फ्रंट है उसके ऊपर सबसे बड़ी हेडलाइन हो सकती है या जिसने सबको हिलाकर रख दिया है वो खबर है इमरान खान साहब का सामने आ जाना इमरान खान साहब जो हैं वो पाँच अगस्त दो हज़ार तेईस के बाद से लेकर अब तक वो नज़र नहीं आए उन्हें जब गिरफ़्तार किया गया था उसके बाद से उन्हें गायब कर दिया गया ना लोग उनकी आवाज़ सुन पाए ना लोग उनको देख पाए ना उनकी वीडियो देख पाए ना उनकी बॉडी लैंग्वेज देख पाए सिर्फ एक तस्वीर जारी हुई थी सात फरवरी की रात को सात फरवरी की रात या छः फरवरी की रात को हुई थी तो उसका इम्पैक्ट आपके सामने है कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह लोगों ने उसको फैलाया था और किस तरीके से पूरे पाकिस्तान में वो वायरल हो गई थी और इलेक्शन के नतज के ऊपर उसने कितना असर डाला था तो ये तो बात आप क्लियर कर दें कि इमरान खान साहब पाँच अगस्त के बाद से लेकर अब तक उस एक तस्वीर के अलावा नजर नहीं आए मौजूदा हुकूमत ने या निज़ाम ने ऐसा बंदोबस्त किया कि उन्हें लगता है कि इमरान खान अगर दिखाई देगा तो उसका असर बढ़ेगा वो एक कहावत है उर्दू में उसे कहते हैं कि आँख हो चल पहाड़ हो जल तो यानी अगर बहुत बड़ा पहाड़ भी है अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आप फ़र् है अब वो उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है ये उर्दू की एक कहावत है लेकिन इसको भी इमरान ख़ान ने गलत साबित किया है इमरान खान को ओझल रखा गया लोगों की नज़रों से उन्हें सामने नहीं आने दिया गया वो नज़र भी नहीं आ रहे थे इसके बावजूद लोग उनको फॉलो कर रहे थे और वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है अब हुआ ये है कि लोगों ने आवाज़ भी नहीं सुनी लोगों ने देखा भी नहीं कोई वीडियो भी नहीं देखी इमरान खान की इसके बावजूद वे इमरान खान को फॉलो करते हैं और आज लोग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं वो ये है कि इमरान खान नजर आए उसकी बात तो सुने कि वो जेल के अंदर कैसे हैं अब इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है जो लोग बाहर आते हैं वो आकर बताते हैं जी बड़े बाइसेप बने हुए हैं बड़े फ़िट हैं इमरान खान साहब फिज़िकली बहुत लेवल के फिट हैं और जो लोग मिलकर आते हैं वो कहते हैं जी कि परेशान भी नहीं है बड़ी पॉजिटिव उनकी बॉडी लैंग्वेज है ये इमरान खान साहब के बारे में लोग आकर बताते हैं लेकिन पाकिस्तान के अवाम उन्हें देखना चाहते हैं चाहे वो पाकिस्तान में चाहे दुनिया भर में फिर उनके फॉलोअर बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया में इमरान खान साहब के तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी वायरल वीडियो बन जाएगी अगर इमरान खान सामने आ गए ये हुआ कैसे इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ यह कहानी है सिर्फ दस मिनट की जो समाज के पहले चार मिनट से ना ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम का एक केस है जब नैब के अंदर तरामीम कर दी थी पीडीएम की हुकूमत ने इतदार में आने के बाद और नैब के दांत तोड़ दिए थे कि नैब तमाम चोरों को छोड़ने पर मजबूर हो जाए तो उसके खिलाफ पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने एक पटिशन डाली थी वो केस अभी भी एक और अपील के अंदर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाँच रुकनी लार्जर बेंच उसको सुन रहा है इसके अंदर जो जज साहिबान हैं उनमें कादीफ आयदसा अतर मिनल्ला मंद साहब हैं अमीनुद्दीन साहब हैं और हसन रज़ा रिजवी साहब हैं ये पाँच वजिद जज साहबान वहाँ मौजूद हैं इस केस के अंदर नुकता उठाया गया कि इमरान ख़ान साहब को तो इसमें पेश होना है और वो पेश इसमें होना चाहते हैं और क्योंकि इमरान खान साहब इसके अंदर हिस्सा है इस केस के अंदर वो एक फ़रीक है तो जब ये मामला उठाया गया तो काजी कालीफ़ायदीसा साहब ने बज़ाहिर ऐसा लगा कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब पेश हों जो मैं क्योंकि कानून का छोटा सा ही तालब इल हूँ मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ लेकिन जो मैंने देखा और सुना और जो लोगों से बात की उसमें मुझे ये सब ने बताया कि काजी साहब नहीं चाहते थे कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक पर पे पेश किया जाए लेकिन फिर जट साहिबान पाँच मिनट के लिए अंदर गए और जब वापस आए तो फिर जो हुक्म जारी हुआ वो अब आप देख लें सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक पेश होने की इजाज़त दे दी नैब तरामीम का लदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर समाप्त हुई प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और वकील पंजाब हुकूमत दोनों ने कहा कि इस केस में हम वफाकी दलाइल को ही अपनाएंगे एडवोकेट जनरल खैबर पखतून खान ने कहा कि हम नैब तरामीम को कलदम करार देने के फैसले की हमायत करते हैं जस्टिस अतर मिनुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस होने से मुतल है इमरान खान ने अदालत में जी हैसियत में पेश होने की दरख्वास्त की है अगर वो बजरिया वीडियो लिंक पेश होना चाहें तो हो सकते हैं तो इस तरह से इमरान खान साहब जो हैं वो उनको वैसे फिजिकली आना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैटर है और सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देना चाहिए था लेकिन वीडियो लिंक के जरिए पेशी का कहा गया है कि इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाए क्योंकि निजाम पूरा का पूरा जानता है जजेस भी जानते हैं कि अगर इमरान खान को जेल से निकाला तो सुप्रीम कोर्ट तक आने में उनको कई दिन लग जाएंगे जेल से सुप्रीम कोर्ट तक लाना इतना आसान नहीं होगा पूरा कर्फ्यू लगाना पड़ेगा अगर उनको फ़ौरन पहुंचाना है तो लिहाजा वीडियो लिंक वाला मामला ही चलेगा कि वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब जो है वो दलायल दे सकते हैं और वीडियो लिंक के जरिए दलायल का बंदोबस्त किया जाए ये हुक्म जारी किया गया बाद में हम इमरान खान की दरखास्त मंजूर करते हैं अब मामला यह है कि यह केस लग गया परसों के लिए सोलह मई दो हजार चौबीस पाँच अगस्त दो हजार तेईस से लेकर सोलह मई दो हजार चौबीस तक इमरान खान साहब को किसी ने देखा सुना नहीं है उनकी कोई वीडियो नहीं आई अब अगर इमरान खान साहब आ जाते हैं तो ये कमरा नंबर वन है अदालत का जहाँ पे लार्जर बेंच बैठा है इसकी समाज जो है वो उसकी लाइव वीडियो चलती है टेलीविजन के ऊपर इमरान खान साहब को टेलीविजन पे दिखाने पे पाबंदी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को टेलीविज़न पे दिखाना होता है अब इमरान खान साहब बतौर पटिशनर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर बैठेंगे तो क्या पाकिस्तान टेलीविज़न या नेशनल टेलीविजन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोक के ना दिखाने पर मजबूर हो जाएंगे अगर ये करते हैं तो एक नया मसला है और अगर इमरान खान को दिखाते हैं तो एक और मसला है तो एक अजीब गरीब चीज़ में वो फंस गए हैं सबसे पहले तो वहाँ मौजूद जो लोग होंगे अदालत में एक तो बहुत बड़ी तादाद में लोग जाएंगे वो चाहेंगे कि इमरान खान को देखें सुने कि वो क्या कहते हैं विटनेस करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के बाहर बहुत बड़ी तादाद में रश मौजूद होगा वकला बहुत बड़ी तादाद में जाएंगे, सहाफ़ी जाएंगे तो जो सहाफ़ी इमरान ख़ान को देखेंगे अदालत के अंदर से और जो वीडियो बाद में जारी होगी अगर तो जारी की गई अगर वीडियो जारी होती है वीडियो बाहर निकलती है इमरान ख़ान साहब की उनकी बातें सामने आती हैं तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा यानी ये होगा कि जो निज़ाम इमरान ख़ान को छुपा कर रख रहा है उन्हें कमज़ोर करने के लिए ताकि लोग उन्हें भूल जाएं, उनकी वीडियो उनकी ऑडियो नहीं आने दे रहा वो निज़ाम अब किस तरह इमरान खान साहब को अदालत के रूबरू वीडियो लिंक पर पेश होने देगा अगर तो पेश होने देगा तो ठीक है नहीं होने देगा तो फिर कादी फायद साहब के ऊपर एलिगेशन आएगा कि वो अपने फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा पाए फिर हुकूमत को और इंतज़ामिया को तोहने अदालत का सामना करना पड़ेगा तो एक बड़ी अजीब वरीब बन गई है हुकूमत के लिए भी और अदालत के लिए भी अब क्योंकि ऑर्डर हो गया है तो इमरान खान साहब को पेश करना पड़ेगा वीडियो लिंक के जरिए अब चांसेस है कोई बहाना बनाया जा सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का सिस्टम जनाब खराब हो गया है वो इमरान खान का जो जेल वाला सिस्टम है वो खराब हो गया है यह कहा जा सकता है कि जनाब अचानक सिस्टम बैठ गया है अचानक इंटरनेट बंद हो गया है अचानक साइटी क्रैश हो गई है बहुत सारे बहाने हैं ना कोई भी बहाना हो सकता है कोई भी बहाना हो सकता है लेकिन किसी बहाने के बाद इस बहाने को कितनी देर तक कंटिन्यू किया जा सकता है यह एक बड़ा सवाल है अदालत कह सकती है कि अगली पेशी पे ले आज नहीं हुआ तो कल कर लें हम इमरान खान को कल सुन लेते हैं परसों सुन लेते हैं तो इसको ज्यादा देर तक अब अवॉइड किया नहीं जा सकता सिचुएशन ऐसी जगह पे पहुंच गई है बहरहाल इमरान खान सामने आएंगे तो बड़े बड़ों को पता चल जाएगा कि उनकी मकबूलियत क्या है जो लोग कहते हैं ना कि इमरान खान की सात फ़ीसद मकबूलियत है या उससे भी कम है तो उनके खिलाफ बहुत प्रपगिंडा होता है हालांकि उन्होंने दो तहाई अक्सरीत से कौमी असम्बली में कामयाबी हासिल की है पंजाब असम्बली में भी अब वही इमरान खान जब पब्लिक के सामने आएगा तो इतने महीनों की जो मेहनत है वो सारी की सारी निज़ाम की ज़ाया हो जाएगी और इमरान खान का तोती बोलने लगेगा मुल्क में एक दफा फिर और आप देखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो वायरल होने वाली वीडियोस हैं उनमें सबसे ज्यादा वायरल वीडियो यह होगी अगर इमरान खान को मौका मिल गया तो और मौका तो देना पड़ेगा अब इसके अलावा चारा कोई नहीं है निज़ाम फंस गया है दूसरी जानब एक बहुत बड़ी खबर आई है वो बड़ी खबर यह है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने एक क्लेम किया है पहले गौर से सुने उन्होंने कहा गया उनके दो तीन जुमले बहुत इंपॉर्टेंट है उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम दिया गया जुमला है मुझे पैगाम दिया गया यानी डायरेक्टली किसी ने नहीं कहा लेकिन मुझे पैगाम दिया गया पैगाम तो फिर मैं किसी को पैगाम देना चाहूँ किसी के थ्रू भी दे सकता हूँ ना किसी के थ्रू ही दूंगा ना खुद कहूँगा तो मैं खुद से कहूँगा कि मैंने उसे कहा या उसे बताया या डिमांड किया या मुतालबा किया अगर मैं किसी और को कहूँगा बरह रास्त नहीं कह रहा तो फिर पैगाम दिया गया का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा मुझे पैगाम दिया गया पीछे हट जाओ और ये केस है ऑडियो लीक्स वाला जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती अमूर में मुदाखलत का एक बड़ा इंकशाफ कर दिया एक खत और लिख कर आज बहुत बड़ा दिन था आज तोहनी अदालत के मुकदमा भी लगे हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कीानी साहब के हवाले से और जस्टिस बाबर सत्तार के हवाले से उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत में इंकशाफ किया कि आडियो लीक केस की समात के दौरान सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अला हकाम की जानब से पीछे हट जाने के पैगाम मौसू हुए पैगाम मौसू हुए एक पैगाम नहीं था ज़्यादा पैगाम थे वो उनको मौसू हुए सिक्योरिटी इस्टेबलिशमेंट के अला हुकाम की जानब से यानी वह अलादेदार हैं जिनकी जानब से मौसू हुए और आडियो लीक्स के केस में अदालत के सामने सवाल था कि क्या शहरीों की निगरानी करने की इजाज़त देने वाला कोई कानूनी निज़ाम मौजूद है इसके जवाब में अदालत ने वफाकी हुत की मुतल वजारतों पाकिस्तान टेली कम्यूनिकेशन अथॉरिटी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी पैमरा और इसके अलावा आईएसआई और आईबी और एफआईए समेत इंटेलिजेंस और तहकीकती इदारों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए हैं ये तो एक तो नोटिस जारी हो गए दूसरा जो बाबर सत्तार का लेटर है उन्होंने कहा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के आलाम की जाने से मुझे पैगाम भेजे गए जिसमें मुझे कहा गया कि मैं शहरीों की निगरानी के निजाम और तरीकाकार की जाँच से पीछे हट जाऊँ मैंने इस तरह की धमकियाँ मेरे हथकंडों पर कोई तोज्जो नहीं दी ये भी नहीं सोचा कि इस तरह के पैगाम से इंसाफ के निज़ाम को नुकसान पहुँचने का खतरा है उन्होंने अपनी पोजिशन बताई कि मैं इनसे डरा नहीं घबराया नहीं मैं अपना काम कर रहा हूँ ये मुझ पर इन्फ्लुंस नहीं कर सकते हाँ लेकिन मुझे, मुझे मुदाखलत की गई है दोबारा से अब कादी फायदी साहब जो कहते हैं कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं होती तो ये सामने है अब इसके ऊपर जो जवाब आया फौरी तौर पर वो अटर्नी जनरल का भी आया और हुकूमत का भी आया अटॉर्नी जनरल ये कह रहे हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त पर अटॉर्नी जनरल का रद्दअमल कोई भी सिक्योरिटी अफसर बर रास्त ना किसी जज से राबा कर सकता है ना ऐसा कोई वाक़ रिपोर्ट हुआ एक तो उन्होंने कहा ही नहीं कि मुझसे बरह रास्त रबा किया उन्होंने कहा कि मुझे पैगाम भिजवाए गए तो इसको आप क्लियर कर लें दूसरा उन्होंने कहा कि तासर दिया जा रहा है कि कोई अदलिया और इंतज़ामिया के अंदर कोई खलीज पैदा हो गई है ताल्लुक ख़राब है तो उन्होंने कहा तासर वो गलत है तीसरा जो मामला एक्चुअली कहा गया वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे हुकूमत और वो दोनों अटॉर्नी जनरल और हुकूमत वो दोनों ये कह रहे थे कि क्योंकि खुफिया एजेंसियों के पास सर्वेलेंस करने के मुख्तलिफ गैजेट्स हैं वो जब इंटेलिजेंस के लिए सर्वेलेंस करते हैं तो उनके जो तरीक़ार हैं वो नहीं चाहते कि वो तरीक़ाकार पब्लिक हो जाए या लोगों को पता चले तो हमने दरख्वास्त ये की थी कि ये जो केस की हयरिंग है इसको सिर्फ इन कैमरा कर दिया जाए यानी पब्लिकली इस केस को ना सुना जाए इसको इन कैमरा कर दिया जाए इसकी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जानी चाहिए ताकि एजेंसियां जो सर्वेलेंस करती हैं जो इंटेलिजेंस करती हैं जो मालूम इकट्ठी करती हैं तो ये मामला बाहर ना जाए वो तरीक़ाकार बाहर ना जाए वो हमारे पास जो तरीक़ाकार है वो हम नहीं चाहते कि लोगों को पता चले अच्छा ये तो बड़ा फेयर है लेकिन अगर ये बात करनी थी तो ये तो ओपन कोर्ट में की जा सकती है क्या जजेस को मैंने दो तीन लोगों से पूछा कि क्या जजेस को अदालत के बाहर अप्रोच कर सकती है हुकूमत या कोई और तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया जो कवर करते हैं अदालतों को उन्होंने कहा जी नहीं किया जा सकता जजेस को जो आपने कहना है वो आपने ओपन कोर्ट में आकर कहना है कि जज साहब हमारी दरखास्त है इसको इन कैमरा कर ले ये हसास मामला है आप जज को अलग से पैगाम नहीं भिजवा सकते वो मुदाखलत तस्वर होगा एक तो ये बात बड़ी क्लियर है कि अगर अलग पैगाम भिजवाए हैं तो मुदाखिल तस्वुर होगा और उसका अतराफ़ कर चुकी है हुकूमत भी और अटारनी जनरल भी दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क की सलामती के मामला पर तो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ ये सारा कुछ कर सकती हैं लेकिन ये केस तो शहरीों से मुतल है जजिस से मुतक़ है सियासतदानों से मुतल है कि सियासतदानों की ऑडियो टेप की जा सकती हैं आम शहरी की और वकला की आडियोज़ टेप की जा सकती हैं क्या जजेस के कमरों में कैमरे लगाए जा सकते हैं ये वो सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर इस वक्त मुल्क में डिस्कशन चल रही है बहुत सारे अहम तरीन मामलात हैं जो इसके अलावा चल रहे हैं तो ने अदालत वाला मामला इस हुकूमत के गले पड़ गया है आकर उसमें क्या कुछ हुआ और कौन सी आठ दस चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं आने वाले दिनों में अदालत और हुकूमत के बीच में अगले वीलॉग में बताता हूँ अब तक इतना अपना ख्याल रखिएगा अपने चैनल का भी अल्लाह हाफिज